किसी एक दल को 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ से ज्यादा का जनता आखिरकार कौन दे रहा है? यह चंदा देने वाला कौन है? क्या पारदर्शिता इतनी जरूरी नहीं कि चुनाव आयोग बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता उसे बताना चाहिए ताकि इससे पारदर्शिता बनी रहे? क्या एक कानून को पारदर्शी कहा जा सकता है जिसमें करोड़ों रुपए के चंदे देने वाले का नाम तक पता नहीं? क्या देश के लिए यह सवाल नहीं है कि 200 करोड़ का बॉन्ड कौन आदमी खरीद रहा है, कौन कंपनी खरीद रही है? इस पर पर्दा आखिरकार क्यों डाला जाता है? तो फिर यह पारदर्शी कानून कैसे हो सकता है? चुनावी बॉन्ड, जी हां, यह थे सवाल। इन सवालों को मैं बाद में भी उठाऊंगा, लेकिन अब आते हैं चुनावी बॉन्ड पर। चुनावी बॉन्ड, यह आपने जरूर सुना होगा। आम जनता की कमाई बढ़े ना बढ़े, मगर एक राजनीतिक दल का चंदा बढ़ता ही चला जाता है। पर ऐसी खबरें अब लगता है थकने लग गई है। कारण राजनीति नहीं है, कारण है सूचनाएं ना आना। पारदर्शिता की नई परिभाषा अगर आपको समझनी है तो आप 2017 के चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कानून से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस कानून के पास होने के बाद यह कभी नहीं जान सकते कि किसी एक राजनीतिक दल को कई सौ या फिर कई हजार करोड़ रुपए का चंदा कौन सी कंपनी या फिर कौन सा व्यक्ति दे रहा है। उदाहरण के तौर पर, राम ने दिया, श्याम ने दिया, विनोद ने दिया या फिर रज्जाक ने दिया, यह चंदा दिया तो आखिरकार दिया किसने? चुनाव आयोग की चिंता वैसे इस बात को लेकर है कि नकद के रूप में जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता नहीं है, यानी कि कम रकम वाला। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं है कि चंदा कौन देता है? मेरा सवाल आपसे है, जब केंद्र ही सुप्रीम कोर्ट में यह कहती हो कि 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे मरते हैं उसमें से लगभग 70% बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, आप कहेंगे कि मैं यहां पर बॉन्ड का जिक्र कर रहा हूं और यह कुपोषण का जिक्र कहां से आ गया? मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार यह कहती है कि 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे मरते हैं उसमें से लगभग 70% बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। उस देश में इतना चंदा कौन और क्यों देता है? यह सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछता। गोदी मीडिया ने अपने सवालों से इस सवाल को गायब कर रखा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की 22वीं किश्त की बिक्री शनिवार यानी कि 1 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। सरकार ने इस चुनावी बॉन्ड की 22वीं किश्त जारी करने के लिए गुरुवार यानी कि 29 सितंबर को मंजूरी दे दी थी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत अलग अलग पार्टियों के दिए गए कैश चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड लाया गया था। मगर क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या हो रहा है? शायद आप तक यह खबर नहीं पहुंचती होगी। जो कम चंदा देगा उसका नाम बताना होगा, जो ज्यादा चंदा देगा वो नाम नहीं बताएगा। समझ में आया आपको? यानी कि जो कम चंदा देगा उसको नाम बताना होगा, लेकिन जो ज्यादा चंदा देगा वो नाम नहीं बताएगा। क्या हम किसी राजनीतिक दल को किसी कंपनी के बड़े चंदे पर निर्भर इससे नहीं बना रहे? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। एक समय नियम था कि कोई कंपनी अपने मुनाफे का सिर्फ और सिर्फ 7.5% ही किसी दल को चंदे के रूप में दे सकती है। जो चंदा देगा उसका हिसाब किताब पार्टी अपने बही खाते में दर्ज करेगी। सरकार ने नियम बदल दिया, 7.5% की सीमा खत्म कर दी और यह प्रावधान ही हटा दिया कि किसी कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि किस दल को कितना चंदा दिया। यानी कि किसी कंपनी को अब यह नहीं बताना होगा कि उसने किसी राजनीतिक दल को 100 करोड़ का चंदा दिया या 1000 करोड़ का चंदा दिया। अब सवाल यह कि इस बॉन्ड का कानून आया कैसे? क्या अब भी वो वक्त नहीं है जब देश की जनता यानी कि आप यह जान सकें यह कानून आया कैसे और इस कानून से किसका भला हो रहा है? एक बार फिर से चलते चलते वही सवाल दोहराऊंगा जो सवाल मैंने शुरू में दोहराए थे। ध्यान से सुनिएगा वही सवाल जो सवाल मैंने शुरू में आपसे किए थे, और वो सवाल एक बार फिर से आप देखिए
मेरा सवाल यह था कि किसी एक दल को 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है, क्या यह नहीं बताना चाहिए? क्या पारदर्शिता इतनी जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता देश को बताए ताकि इससे पारदर्शिता बने? सवाल यह भी कि क्या एक कानून को पारदर्शी कहा जा सकता है, ऐसे कानून को जिसमें करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले का नाम पता तक नहीं चलता? सवाल यह भी कि क्या देश के लिए यह सवाल नहीं कि 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड कौन आदमी और कौन कंपनी खरीद रही है? इस पर पर्दा क्यों डाला जाता है? तो फिर यह पारदर्शी कानून कैसे हो सकता है? मेरे सवालों को गौर से, ध्यान से, यह जो गोदी मीडिया ने आंख नाक कान बंद किया हुआ है उससे हटकर जरा विचार करके देखिएगा। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन बहस से गायब है, चुनावी बॉन्ड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।